पिछले कई दिनों से इस साल होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के कार्यक्रम को जारी किए जाने की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक आईपीएल का कार्यक्रम फिलहाल जारी नहीं किया जा रहा है। बता दें, आईपीएल का कार्यक्रम तभी जारी किया जा सकेगा जब आम चुनाव की तारीखों का पता चल जाएगा। बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें एडिशन की शुरुआत 23 मार्च से होगी, लेकिन अब तक के इसके कार्यक्रम को जारी नहीं किया जा सकता है। एक खबर के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि टूर्नामेंट के मुकाबलों की तारीख का ऐलान तब किया जा सकेगा जब देश में होने वाले आम चुनावों की तारीख जारी होगी। आईपीएल के कार्यक्रम को जारी करने में वक्त लगेगा। हमें चुनाव आयोग द्वारा आम चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार करना होगा। जैसा हम सभी जानते हैं, यह बेहद ही महत्वपूर्ण इवेंट है। तारीखों के हिसाब से ही काम करना होगा ताकि सभी चीजें सामान्य रूप से एक दूसरे से तालमेल बिठा पाए। यह हम सभी जानते हैं, चुनाव को कराने में किस तरह की व्यवस्था करनी होती है, यही प्राथमिकता है। गौरतलब है कि 8 जनवरी को आईपीएल के आयोजन की तारीख का ऐलान किया गया था। टूर्नामेंट का आयोजन भारत में ही किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए बताया गया कि 23 मार्च से टूर्नामेंट शुरू होगा और फाइनल मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे punjabkesari.com पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।